तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कैनरा बैंक का आप पासबुक अपने घर से बैठे बैठे देख पाओगे। दोस्तों यहाँ बहुत सारी दिक्कत होती है हमको अपने पासबुक देखने, ब्रांच जाऊँ तो बहुत सारी दिक्कत, मशीन गड़बड़, तो यहाँ पे 3 बजे प्रिंट करूंगा, तो मुझे अगर अपना मिनी स्टेटमेंट वगैरह अपने या कुछ भी दिक्कत अपना पासबुक से रिलेटेड अगर अपने कहीं लगाना है ना, तो बहुत सारी दिक्कत है, हमारा पासबुक नहीं प्रिंट हो पाता है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे अपने मोबाइल में अपना पासबुक प्रिंट कर पाओगे, देख पाओगे अपने मोबाइल में। वो भी दोस्तों मैं नहीं कुछ करने वाला, आपका बैंक खुद ही ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है जिसके हेल्प से आप अपना पासबुक वगैरह मोबाइल में देख सकते हो। दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, कैसे उस ऐप से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन सी ऑफिशियल ऐप है, कैसे कैसे क्या करना है, आज बिल्कुल लाइव देख लेते हैं। आपका समय ना लो, जल्दी से करूंगा वीडियो की स्टार्ट, देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों साइड मैंने स्क्रीन लगा दी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलना होगा प्ले स्टोर में, यहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है, सर्च करना होगा यहाँ पे कैनरा बैंक एम पासबुक लिख के सर्च करना होगा। इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये ऐप आ गई, ये ऑफिशियल है आपके बैंक के द्वारा, नीचे कैनरा बैंक ब्लू कलर में लिखा है ऑफिशियल ऐप है, इसको ओपन करिए। ओपन करेंगे ना दोस्तों तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगे तो अलाउ कर दीजिएगा। जैसे अलाउ करेंगे ना, आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका नंबर आपके बैंक में लिंक होना चाहिए, वही वाली सिम इस फोन में लगाना है, ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। ऑटोमेटिक डिडक्ट करके क्या करेगा, आपका आपके नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी जैसे फील होगा ना, उसके बाद आपको एम पिन बनाने को कहेगा। एम पिन होता है क्या, मोबाइल पिन होता है जो 4 अंक का गोपनीय पिन होता है। मोबाइल पिन आप जैसे एटीएम का होता है ना, उस तरह से 4 अंक का पिन बना लीजिएगा, वो पिन आपको भरना होगा। पिन जैसे ही बना लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, नंबर आपके ब्रांच से लिंक होना चाहिए, वही सिम आपको इस फोन में चाहिए। अगर वाली सिम अगर नंबर आपका नहीं लिंक है ना, तो लास्ट में बताऊंगा मैं नंबर कैसे लिंक किया जाता है, ये भी बताने वाला हूँ। इतना कुछ करके जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आए देख लेते हैं, बिल्कुल लाइव चल के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, अब देखिए मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों हमको थोड़ा सा वेट करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो इसके फीचर है ना, सारे के सारे हमारे सामने आ गए। देख सकते हो ऐप ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले है विद इन कैनरा है, अदर बैंक है, कार्डलेस कैश है, मैनेज अकाउंट है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, मैनेज बेनिफिशरी है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हमको तो अपना पैसा वगैरह चेक करना है, तो फिर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका बैलेंस वगैरह दिखा देगा, कितने पैसे वगैरह आपके खाते में कैसे कैसे क्या है, और यहाँ पे आपका कार्ड नंबर वगैरह भी यहाँ पे अपना देखिए, आप बहुत सारी जानकारी वगैरह भी अपने बैंक से रिलेटेड अपना ट्रांजेक्शन वगैरह या कहीं पैसा वगैरह ट्रांसफर करना कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। रेल टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट वगैरह का टिकट, जो भी टिकट वगैरह चाहिए, बहुत सारे फीचर आपके इस ऐप में आपके बैंक के द्वारा दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे पैसा वगैरह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में भेज वगैरह भेज सकते हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट इस ऐप से मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका नंबर ब्रांच में नहीं लिंक है ना, तो आपको क्या करना होगा, एक बार अपने ब्रांच से कॉन्टैक्ट करिए, अपने ब्रांच जाके आप अपना नंबर एक एप्लीकेशन देकर लिंक करवा लीजिए, क्योंकि बार बार ब्रांच जाने से अच्छा एक बार नंबर लिंक करवा लेंगे, घर से बैठे बैठे अपना पासबुक देख पाएंगे। और दोस्तों बार बार बताना चाहूँगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, प्लीज आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है, प्लीज अपने ब्रांच से कॉन्टैक्ट करके किसी कलर से बोल देंगे, हमको अपना बैंक का पासबुक अपने फोन में देखना है, लॉग इन कर दीजिए, तो कोई भी कलर से कहेंगे ना, वो लोग खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, लॉग इन करके पूरा आपको दे देंगे। वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया है। दोस्तों मेरा खाता हर एक बैंक में तो हो नहीं सकता, बिल्कुल लाइव से दिखाऊं, मैं प्रोसेस ही बता सकता हूं, तो जितना हो सका मैंने जानकारी आपको दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।